हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं पीएचपी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, जिसमें आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका देखोगे ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इंक्रीमेंट करेगा, देन जो ये आपकी जो है मतलब वैल्यू को रिटर्न करेगा, क्या इंक्रीमेंट बाय वन देन रिटर्न। ठीक है, अगर यहाँ पोस्टिंग पोस्ट से लग रहा, पोस्ट नाम से लग रहा, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, तो पोस्ट मतलब होता है कि पहले रिटर्न कर देगा वैल्यू को, उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करेगा। सेम यहाँ पर आपका अगर माइनस माइनस एक्स करते हैं, इसका मतलब है कि ये पहले एक डिक्रीमेंट करेगा। एक डिक्रीमेंट का मतलब है कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी इसमें से एक माइनस, मैं 10 है तो 9 कर देगा, ठीक है 8 है तो 7 कर देगा, तो साथ एक डिक्रीमेंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पर आपका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो प्री मतलब पहले आपका जो है डिक्रीमेंट कर देगा, पोस्ट प्री पोस्ट मतलब बाद में करेगा, मतलब प्री मतलब समझ लो कि पहले काम, पहले आपका जो है डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेगा, और पोस्ट मतलब बाद में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको तो समझते हैं, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू है 10। अब मैंने यहाँ पर यूज किया है प्री डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद वाई में जो है ये असाइन करेगा। तो एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट किया तो यहाँ हुआ 11 को इसमें लेके जाएगा, तो वाई की वैल्यू भी आपकी 11 हो जाएगी। तो यहाँ वाई की वैल्यू 11 प्रिंट होगी और एक्स की वैल्यू 11 प्रिंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब है यहाँ पर पहले ये रिटर्न कर देगा, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करके इसमें डाल देगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 11 हो चुकी थी, तो यहाँ पर y में भी 11 जाएगा, 11 जाने के बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 12। तो अगर देखोगे इन दोनों का, अगर मैं इसको भी पहले कमेंट इस लाइनों को मैं कमेंट बना देता हूँ, तो केवल इन दोनों को दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है आपका। तो यहाँ पर देखोगे, रन करोगे तो सबसे पहले, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू हो गई 11, उसी टाइम y में भी 11 है साइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका था वो आपका प्री इंक्रीमेंट था। और यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर y में साइन किया था वो 11 है। तो यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो x की वैल्यू पहले आपके रिटर्न कर दिया, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट किया। ठीक है, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आते हैं डिक्रीमेंट पे, सेम टू सेम। तो यहाँ पर x, यहाँ तक x की वैल्यू क्या हो चुकी है आपको, मैं देखा आपने x की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो आउटपुट में यार 12 हो चुकी है। 12 होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमने यूज किया प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, x की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट करेगा, मतलब x की वैल्यू कर देगा 11 और y में भी 11 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ x की वैल्यू 11 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। देन यहाँ पर x माइनस माइनस करेगा, x माइनस माइनस मतलब y की वैल्यू बाद में ये आपका बाद में जो है आपका डिक्रीमेंट करेगा। तो पहले x की जो वैल्यू है 11 है, वो 11 y में चला जाएगा, उसके बाद ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर 11 की यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा आपका 10 और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 11। तो अब इसको रन करते हैं, रन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, x यहाँ पर था प्री था, तो प्री होने के कारण x की वैल्यू 12 से 11 हुई और साथ साथ वही रिटर्न होकर के y में चला गया, तो y की वैल्यू भी 11 हो गई। यहाँ पोस्ट होने के कारण क्या था, x की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू जो है y में 11 ही गई, लेकिन बाद में x की वैल्यू डिक्रीमेंट होने के कारण यह 10 प्रिंट कर रहा है। आई थिंक द बेसिक क्लियर होगा। तो प्री और पोस्ट से ज़्यादा बहुत बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, पर सही समझ लो, प्री मतलब होता है कि पहले अपना कैलकुलेशन कर लो, मतलब पहले डिक्रीमेंट कर दो बाद में काम करो। ठीक है, और पोस्ट का मतलब होता है कि पहले काम कर लो बाद में इंक्रीमेंट करो। ठीक है, तो ये मेन काम होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जहाँ कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशनल ऑपरेटर होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसको यूज करना। पीएचपी में एक अलग से कंडीशनल ऑपरेटर दिया गया है, कौन सा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो में अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ भेजे में गुस्सा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।